हेलो एवरीवन स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ साग और मक्के की रोटी की रेसिपी देखिए साग का सीज़न भी नहीं है तो इस सीज़न में मेथी पालक और सरसों का साग तो आ नहीं रहा है लेकिन पालक हमारा बारह महीने आता है तो मैंने मेथी सर्दियों में सुखा रखी हुई थी मैंने उसी मेथी को पालक में डालकर साग बनाया है तो मैं उसको आप लोगों को इसी की रेसिपी बता रही हूँ ये देखिए मैंने पालक ले लिया और ये मेथी ले ली है और अभी इन्हें मैं अच्छे से धो लूँगी थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से क्योंकि पालक में रेत बहुत ज़्यादा होता है तो इसीलिए पहले इसे एक बर्तन में डालकर पानी में अच्छे से चलाते हुए इस तरीके से धो लूँगी उसके बाद इसमें से ऊपर ऊपर से मैं मेथी पालक निकाल कर एक छन्नी में अलग से डाल लूँगी और जो नीचे का रेत है उसे कढ़ाई में ही छोड़ दूँगी देखिए इस तरीके से तो जो हमारा रेत है वो पानी में नीचे बैठ जाएगा और ये साग हमारा अच्छे से साफ़ हो जाएगा अब इस छन्नी में भी मैं पानी चलाते हुए इसे भी अच्छे से धो लूँगी तो इस तरीके से दो तीन बार प्रोसेस करके इसे अच्छे धो लेना है और अब मैं इसे एक कुकर में डाल लूँगी देखिए इसमें मैंने दो हरी मिर्च डाल दी है साबुत बीच से काट के और नमक डाल दिया उबलते टाइम पानी इसमें डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पानी जैसे साग हमने धोया है तो इसमें पानी काफ़ी सारा हो गया है और ये डाल दिए मैंने थोड़े से पीले सरसों के दाने फ्लेवर के लिए क्योंकि सरसों तो इस सीज़न में आ नहीं रही है तो इसलिए फ्लेवर के लिए हल्के से मैंने सरसों के दाने डाल दिए हैं अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम उबाल लेंगे उबालने के लिए इसमें दो सीटी लगा के फिर इसे बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर हमें पकाना है कम से कम बीस से पच्चीस मिनट देखिए साग खाने में तभी टेस्टी लगता है जब वो बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर पीला होने तक पकता है इसका कलर चेंज हो जाएगा पीला हो जाएगा जब तक हम इसे पकाना है अब देखिए जब तक हमारा साग पक रहा है तब तक हम फ्राई करने के लिए तैयारी कर लेते हैं तो फ्राई करने के लिए मैंने लहसन काट लिया बिल्कुल बारीक बारीक और अदरक मैं लहसुन और अदरक से ही साग को फ्राई करती हूँ प्याज मैं उसमें नहीं डालती क्योंकि प्याज का मीठापन साग का टेस्ट ख़राब करता है अभी देखिए हमारा साग बिल्कुल कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक गया है ये देखिए आपको जैसा कि दिख रहा होगा ये बिल्कुल हरा था लेकिन अब ये इसका कलर चेंज हो गया है ये देखिए तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे ग्राइंडर से पीस लेंगे अब ये देखिए ठंडा हो गया है तो अब इसे मैं ग्राइंडर से पीस लेती हूँ इस तरीके से हैंड ग्राइंडर की हेल्प से तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है इसे हल्का सा दरदरा रखना है जिससे कि इसका फ्लेवर जैसे कि गाँव में हम हाथ से घोटते थे घोटने से उसी तरीके का है ये देखिए ये अब हमारा साग मैंने पीस लिया है बस इसी तरीके का आपको रखना है और अब हम इसमें पानी डालकर इसे धोकर डाल अच्छे से हैंड ग्राइंडर को तो चलिए अब हम आलन के लिए ले लेते हैं मक्का का आटा ये देखिए मैंने ढाई बड़ी चम्मच मक्का का आटा ले लिया इसे पानी से अच्छे से घोल लूँगी अगर हम सूखा आलन लगाते हैं तो सब में गाँठे पड़ने का डर रहता है तो इसीलिए मैं इस तरीके से पानी में घोल कर ही आलन लगाती हूँ तो उससे हमारे साग में कोई गांठें नहीं पड़ती हैं तो चलिए इसे अच्छे से घोल लेते हैं इस तरीके से इसमें गांठ नहीं बननी चाहिए एक भी और उसके बाद हम इसे आलन लगा देंगे इसका ये देखिए अच्छा हो गया ना तो चलिए अब हम इसे साग में डाल देते हैं मिक्स कर देते हैं देखिए इसे डालने के बाद हमें साग में पानी भी डालना पड़ता है क्योंकि इसे डालने से मक्का के आटे को डालने से साग हमारा टाइट होने लगता है धीरे धीरे तो इसलिए हमें पानी डालने की भी जरूरत पड़ती है ये देखिए इस तरीके से इसे पानी डालकर हल्का सा पतला कर लेंगे क्योंकि जैसे जैसे ये पकेगा उसी तरीके से गाढ़ा होता चला जाएगा ये देखिए अब इसे अच्छे से धीमे धीमी आँच पर पाँच से दस मिनट तक पकने देंगे जिससे कि हमारा मक्का का आटा देखिए ये हमारा साग पक गया है अब हमें कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें चढ़ा लेंगे देसी घी देखिए मैं देसी घी से तड़का लगा रही हूँ साग में क्योंकि देसी घी से तड़का लगाने में साग में अलग ही टेस्ट आता है आप चाहें तो सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं अब ये मैंने देसी घी चढ़ा लिया है इसे अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें नाइजीरा डालूंगी कुछ भी नहीं डालूंगी सिर्फ सीधा लहसुन और अदरक डालूंगी कटा हुआ आप एक बार इस तरीके से साग बनाकर देखिए तो खाने में अलग ही टेस्ट आएगा अब देखिए हमारा घी गरम हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना लहसुन और अदरक ये डाल दिया मैंने लहसुन और अदरक और अब इसे चलाते हुए गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसमें डाल देनी है लाल मिर्च देखिए इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है गोल्डन होने तक फ्राई करना है ठीक है अब ये देखिए ये हल्का सा कलर चेंज हो गया है जब ये पूरा गोल्डन हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची अब ये देखिए गोल्डन हो गया है तो मैंने लाल मिर्ची ऐड कर दी है इसमें और अब हम इसमें डाल देंगे अपना साग ये देखिए तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है साग पे और ये हमारा साग बन के तैयार है खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है तो अब इसके साथ खाने के लिए बना लेती हूँ मक्का की रोटी अब मैं आपको बताऊँगी मक्का की रोटी बनाने की एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी कि जिससे नहीं भी आती है बनानी वो भी बिल्कुल पतली जितनी चाहें आप इतनी पतली रोटी बना सकते हैं मक्का की और वो भी बहुत ही आसानी से तो ये देखिए मैं मक्का का आटा पानी डालकर इस तरीके से इसकी एक टाइट लोई तैयार कर लूँगी टाइट क्यों क्योंकि अगर हम पतली बनाएंगे तो मक्का के आटे की वैसे तो एक एक रोटी का ही हम असाद के साथ आटा लगाते हैं नहीं तो ये फूल जाता है फिर इसकी रोटी नहीं बनती है लेकिन जब आप इस तरीके से टाइट बिल्कुल टाइट लगा के रखेंगे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा अभी एक एक रोटी का धीरे धीरे पतला कर लेना और इस तरीके से लोई बनाते हुए देखिए एक पिन्नी ले ली है मैंने वो बीच में से काट ली है और फिर उस पिन्नी पर मैं लगा लूँगी एक साइड घी और फिर अपने आटे की लोई पर भी घी लगा लूँगी अभी मैं आपको दिखाऊँगी ये देखिए अब मैंने ये बीच में रख दिया है पेड़ा और इस तरीके से एक हाथ से पिन्नी पकड़ लेंगे और एक हाथ से ये देखिए इस तरीके से हम बेलते हुए चाहे जितनी भी आप पतली और जितनी चाहे बड़ी रोटी बना सकते हैं आसानी से और धीरे से इस तरीके से देखिए छुट गई ना पिन्नी एकदम बढ़िया तरीके से हमारी रोटी तैयार है ये देखिए तो इस तरीके से आप भी बिल्कुल पतली और जितनी चाहे बड़ी रोटी आसानी से बना सकते हैं मक्के की और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है साग के साथ तो मक्का की रोटी का स्वाद ही अलग होता है अब इस तरीके से इसको पलटते हुए हम अच्छे से सेक लेंगे जब तवे पर अच्छे से सिक जाएगी उसके बाद हम इसे गैस पर सेक लेंगे जैसे गेहूं की रोटी नॉर्मली हम सेकते हैं अब देखिए इसे अच्छे से इस तरीके से हम पका लेंगे दोनों तरफ से और फिर साग के साथ गर्मा गर्म साग के साथ गर्मा गर्म मक्के की रोटी ये देखिए थाली तैयार है डिनर की तो आप सभी भी खा लीजिए और ये डाल दिया मैंने ऊपर से साग में घी अगर मक्का हो तो उसकी बात ही अलग होती है तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ थैंक यू